तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और दूसरा कि आज मैं डेली मरहबा की जानी से आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो आप चलते हैं आपको दिखाते हैं इंग्रेडिएंट। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मैं आलू का सालन बनाने के लिए खड़ा हो रही है, मेरी बेटी है, आज हमारी बेटी बनाएंगी इसको, ये इस रेसिपी को, और वो है शेफ मुस्लिरा। अब हमारी बेटी जो है आपको इंग्रेडिएंट्स इसकी बताएंगी, वो इनकी जुबानी सुनिए। एक किलो आलू, एक पाव टमाटर, 12 हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून हरा धनिया, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून जीरा, 1 कप ऑयल, 1/2 टेबल स्पून हल्दी। अब चलते हैं हम अपने कुकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ अपने पैन में। अब मैं डालती हूँ जीरा। जीरा को हम हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। जैसा कि मेरा जीरा ब्राउन हो चुका था तो मैंने उसमें टमाटर ऐड कर चुकी हूँ। अब हम डालेंगे कुटी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी। इसको हम थोड़ी देर के लिए चूल्हे पे रख देंगे ताकि ये हमारे टमाटर बिल्कुल गल जाए और भुन जाए और मसाला जो है तेल छोड़ दे। मैंने टमाटर गलने के लिए रख दिए हैं, अब मैं इसको ढक रही हूँ। मैक्सिमम ये 3-4 मिनट ढकूंगी, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। हमारे ये 3 मिनट हो चुके हैं और 3 मिनट में देखें मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसके बाद हम 4 कप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद जब पानी हल्का सा बॉईल हो जाएगा उसके बाद हम अपने आलू डालेंगे। सेकंड, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, हमारे चैनल में जितनी भी हमारी डिश हैं, हमारा सिर्फ टारगेट यही है कि हम घर के मसालों में अपने आपको चीज़ रेडी करके दें। सेकंड, जो बहनें हमारी खाना पकाना सीखना चाह रही हैं और जो अभी सीखना चाह रही हैं तो वो हमारी आराम से वो सीख सकें। सेकंड, आपको जो भी रेसिपी चाहिए बिला झिझक हमें कमेंट्स करें, हम आपको वो पका के दिखाएंगे। हमारी बहन हिना किरण, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट सेंड की थी कीमे की, आज हमने उनके कीमा, इंशाल्लाह उसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। हमने उनके लिए कीमा रेडी किया है। सेकंड, आपको जो भी रेसिपी चाहिए आप बिला झिझक हमें कमेंट्स करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो हम दें। और सेकंड, घर के मसालों में आपको परेशानी ना हो कि हमारे पास ये मसाला नहीं है, हमारे पास वो मसाला नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें आलू डालेंगे और ठंडे पानी में हम आलू नहीं डालते, इसकी वजह से सही हमारे आलू नहीं गलेंगे। इस वजह से हम आलू पहले बॉईल करेंगे फिर हम उसमें अपने आलू डालेंगे, पानी हम बॉईल करेंगे फिर इसके साथ हम अपने आलू डालेंगे। अब इसी के साथ हम हरी मिर्चें डाल देंगे ताकि हमारी हरी मिर्चें इसी के साथ गल जाएं। सेकंड, इसका टेस्ट भी आ जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्यूरी बनाना सिखाएंगे, टमाटर की प्यूरी किस तरह हम सेव कर सकते हैं, जो हम काफी दिन तक यूज कर सकते हैं। सेकंड, आपको गरम मसाला पिसावा जार में किस तरह महफूज कर सकते हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बताती रहूंगी। ये हमने आलू पानी में डाल दिए और अब जो है हम इसको 10 मिनट तक के लिए पकाएंगे। जैसे कि 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे आलू बिल्कुल गल चुके हैं, आपको दिखा भी दूं, ये देखें हमारे आलू गल चुके हैं। अब मैं इसको सर्व करके दिखाऊंगी आपको। ये हमारे आलू रेडी हो चुके हैं, आलू का सालन। अब इसमें हरा धनिया डालूंगी। हरा धनिया लाजमी है, हरा धनिया से खुशबू बहुत अच्छी आती है। सेकंड, हरा धनिया की हमें सिर्फ पत्ते नहीं चाहिए होते, असल जो टेस्ट होता है हमारे हरा धनिया की डंडियों में होता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी हमें ज़रूर बताएं, और प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।